फटाफट ऊपर करो ना, तुम्हारे घंटे तो क्या रुक रहे हो, ये कूड़ा क्यों रख रहे हो। तो अभी पलक के लिए मोमो भी आ गए हैं। तो ये है पहाड़ी घोत और इसके रेट हैं अभी 180 रुपए किलो। तो हमारी मैडम अभी गुस्सा हो गई, तो पहले काम करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 9, तो मम्मी को स्कूल छोड़ के मैं घर पहुंच गया हूं अभी। और आज अच्छी वाली धूप आ रही है, तो अभी वन सो और प्लग यहाँ पे आए हैं पीछे से, आगे से सॉरी। और गाइस पता है हमारे बच्चे बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं, तो वन से ना एक मोबाइल था अच्छा खासा, वो भी खराब कर दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये रहा मोबाइल, और ये मोबाइल काफी बढ़िया था, मतलब चलता था, चालू कंडीशन में था, तो वंश ने उसको तोड़ दिया है और इसकी जो डिस्प्ले उसको निकाल दिया है, ये देखो। और अभी आ गया मैं कमरे में, तो यहाँ पर रही हमारी मैडम, और मैडम कर रही है झाड़ू पोछा। लाइट तो ऑन कर लो यार। तो सबसे पहले मैं नाश्ता करूँ, भूख लग रही है। तो गाइस ये रहा अपना नाश्ता, हरी सब्जी और रोटी है। आपने खाना खा लिया वंश? हाँ, मैंने खाना खा लिया। क्या खाया आपने? रोटी। रोटी खाई आपने? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। और तुमने खाना खा लिया? और अभी नाश्ता मैंने कर लिया, तो मैं आ गया हूँ बाहर से। और गाइस आज बहुत अच्छी खासी धूप आ रही है, तो ऐसे मौसम में धूप में सोने का मन करता है। और गाइस यहाँ पर पलक ऑलरेडी लेट गई है, और इसकी छुट्टी है, तो आज पूरा दिन देखो पढ़ाई नहीं करेगी, कभी परेशान करेगी हमें, कभी खेल करेगी, कभी वंशु को मारेगी। और गाइस ऐसे मौसम में नींबू का सन्ना खाने का मन करता है, लेकिन हमारे वहाँ नींबू नहीं है, दही तो है नींबू नहीं है। तो गाइस अभी हमारा नींबू का सन्ना खाने का मन हो रहा है, तो हमारे घर में तो नींबू नहीं है, बगल में ताई लोग रहते हैं, उनके वहाँ नींबू का पेड़ है, आई थिंक वहाँ नींबू मिल जाएंगे हमें। तो भी पलकों में जा रहे हैं नींबू लेने के लिए, क्योंकि आज अच्छी खासी धूप निकल रही है ना, तो ऐसे मौसम में नींबू का सन्ना खाते हैं पहाड़ों में। तो भी जा रहा हूँ मैं ताई जी लोगों के वहाँ नींबू लेने के लिए, सॉरी। और ये हैं नेपाली बच्चे, इधर आओ बच्चों, कहाँ से आ रहे हो, आपका नाम क्या है? भारत। तो गाइस ये बच्चे हैं नेपाल के, चलो। तो अभी आ गया मैं ताई जी लोगों के वहाँ नींबू लेने के लिए, ले आए नींबू। तो अभी पलक को ताई ने नींबू दे दिए हैं, तो ये रहे ताई। तो अभी ताई ने पलक को नींबू दे दिए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं घर को। कितने नींबू दिए? चार नींबू दिए हैं, तो हमारे लिए बहुत हैं। आज दो आज खाएंगे, दो कल खाएंगे। तो गाइस ये देखो पहाड़ी नींबू, इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, वैसे इनकी झोली भी अच्छी होती है, कड़ी बोलते हैं इसको, और इसका सन्ना भी अच्छा होता है, तो आज हम खाएंगे सन्ना। और अभी हम नींबू को लेके आ गए अंदर। और गाइस पता है ना, अगर नींबू को धूप में रखते हैं तो नींबू का टेस्ट कड़वा हो जाता है, तो इसको हम अंदर ही छीलेंगे। और गाइस देखो मुझे ज्ञान देने आ गई है पूजा अभी। अरे मैं छिल तो रहा था। ये तो बंगल ऐसी रह जाएगा ना तुम्हारे, उसमें ये कड़वा हो जाएगा नहीं। तो गाइस वैसे पता ना पूजा को बहुत ज़्यादा आइडिया है हर चीज़ का, तो इसे मुझे भी नया तरीका सिखा दिया छिलने का, तो ये तरीका सही है वैसे। तो गाइस फाइनली मैंने एक नींबू छील दिया है, और देखो एक नींबू छील के इतना सा हो गया है। और अभी हम लोग आ गए अंदर, तो सारी सामग्री यहाँ पर रेडी है। यहाँ पे नमक है, दही है, नींबू है, एक कमी है चीनी की। पलक जा चीनी लेके आना अंदर से। गिर जाएगा ऊपर, फटाफट ऊपर करो ना, तुम्हारे घंटे तो क्या रुक रहे हो, ये कूड़ा क्यों रख रहे हो, ऊपर बैठो। और गाइस देखो कोई वैल्यू नहीं हमारी यार, पता तुम भी बड़े गंदे हो यार, निकलो तुम बना लो फिर। तो गाइस फाइनली हमारा जो नींबू का सन्ना है वो भी बन रहा है अभी। तो पलक ने नींबू में दही, नमक और चीनी मिक्स कर दिए, तो पलक अभी इसको टेस्ट करके बताना कैसा हो रहा है। खट्टा हो रहा है इसमें थोड़ी चीनी की कमी है, घुली नहीं है चीनी, तो कितना घोलो, घोल तो नहीं हूं। चीनी और डाल पलक, थोड़ी और डाल चीनी, चीनी डालनी पड़ेगी। तो गाइस फाइनली मैं खा रहा हूँ नींबू का सन्ना, और गाइस सन्ने का टेस्ट काफी बढ़िया हो रहा है। तो ये है पहाड़ी की स्पेशल डिश, पहाड़ी सन्ना। मजा आ गया गाइस खाने में तो, उसको बहुत टेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा। और अभी हम लोग आ गए हैं बाहर से, नींबू का सन्ना भी खा लिया, वंश ने खाना भी खा दिया है, तो अभी हमको जाना है खेत में। तो पूजा देखो मुझसे भी फिर से गुस्सा हो गई है,
पलक दे दे उसको बेटा। तुम लोग खेल करो यहाँ पे, हम लोग अभी आ रहे खेतों से। बैठ यहाँ पे, बैठ बैठ। और गाइस देखो पूजा मुझसे गुस्सा होके खेतों में चले गई है। अरे रुको मैं भी आ रहा हूँ, गुस्सेबाज। आ रहा मारो मारो। तो अभी जा रहा हूँ मैं खेत में, पूजा चले गई आगे से। पर अभी पूजा थोड़ा गुस्सा हो गई मुझसे। हमारी पूजा भी ऐसी है, पल में गुस्सा पल में हंसना करते रहती है। और अभी ना हल्की हल्की हवा भी चल रही है, वैसे मौसम काफ़ी बढ़िया हो गया है। तो गाइस ये देखो हमारी मैडम नाराज़ हो गई हमसे। हाँ गुस्सा क्यों हो गए हो? सही बताओ। रहती है, वंशु को खाना मैंने खिला दिया, खाना खिलाओ कहा, तो पहले काम करते हैं वरना आज दिन का खाना नहीं मिलेगा मेरे को। ना कुछ कर रहे हो, ना झाड़ू ना पोछा कर तो रहा हूँ यार। हेल्प तुम्हारी क्यों करते हो, कब किया तुमने सुबह को? देखो गाइस हेल्प करने के बावजूद भी देखो कभी मेरे को क्रेडिट नहीं दिया पूजा ने, ऐसा ही है। और अभी हमने थोड़ी बहुत गोबर फेंक दिया खेत में। और गाइस पता है नींबू का सन्ना खाया ना आज, तो पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अभी पूजा पानी भी लेके आ गई है, तो पानी पिलाओ यार। गाइस खेतों में काम करें और चाय पानी मिल जाए ना, तो मतलब काम करने का मज़ा आता है। कहाँ जा रहे हो? खेत पे जा रहे हो? सूझ गए आपके? कहाँ है सोच के हैं बताओ? बाबा मैं आ गया खेत पे। आ गया? हाँ। तो गाइस सब लग रहा है कि हमारा वंश भी जो है बड़ा हो गया है, अपने मन से खाना खाता है, पानी पीता है। तो गाइस देखो गांव की लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी होती है, बच्चे भी ना सारा काम सीख लेते हैं। तो हमारे बच्चे भी गांव के हिसाब से ढल गए हैं कि गांव का माहौल कैसा है। जैसा माहौल गांव का है वैसे बच्चे भी ढल जाते हैं यहाँ पे। और गैस पता पूजा आज हल्ला गुल्ला करने में ही है, फटाफट करो फटाफट करो। अरे कर रहे हैं आराम आराम से करेंगे। गैस ना पूजा हमेशा से मतलब इतना जल्दबाजी करती है ना, हर काम को लेके जल्दबाजी करती है, बहुत ज़्यादा सर दर्द कर देती है। अभी भी कचकचाटी करने में, करो करो कर तो दिया, यहाँ यहाँ तक गैस यहाँ तक गोबर था यहाँ तक फेंक दिया, बस थोड़ी बहुत रह गया तो बन जाएगा खाना भी। वंशु आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? शिवानी है। तो गाइस अभी हमने जो गोबर है ना खेत में वो भी सारा फेंक दिया है, थोड़ी बहुत बचा हुआ है, ये हमारे घर के क्यारी के काम आएगा। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर, तो उससे पहले पहले हम लोग जा रहे हैं चाची लोगों के टमाटर के खेत में। हमारे वहाँ टमाटर नहीं है ना, तो बगल के चाची लोगों के वहाँ टमाटर हो रहे हैं, तो हम थोड़ी बहुत सब्जी के लिए ले जाते हैं। हमने उनसे पूछा है तो वो कैसे यहाँ लेके जाओ। और गाइस पता है अभी पहाड़ों में टमाटर का रेट क्या चल रहा है? 50 रुपये किलो। तो टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो ऐसे में बिना पूछे किसी के खेत से कोई सब्जी लेके जाना बेवकूफ़ी है। थकान बहुत लग गई, तो यहाँ पर चले गए पूजा टमाटर तोड़ने के लिए। तो गाइस ये है देखो चाची लोगों का खेत, तो यहाँ पर लगा रखे टमाटर, उस साइड वो लोग लगाएंगे गेहूँ, इस साइड को उन्होंने बो रखी है घास। तो गाइस देखो ये है हमारे प्योर ऑर्गेनिक टमाटर जो कि चाची के वहाँ से लेके आए हैं। चलो घर को चलो यार, भूख लग रही है। और अभी हम जा रहे हैं घर को। और गाइस अभी का ना मौसम काफ़ी बढ़िया हो गया, आज तो खिली खिली धूप है। तो गाइस हम लोग खेत से आ गए हैं घर, और घर आते पूजा लग गई अपनी ड्यूटी में, दिन का खाना बना रही है। और आज पूजा ने लंच में बना रखे हैं भटकी चुड़कानी और चावल। तो गाइस ये है देखो हमारे पहाड़ों की स्पेशल डिश भटकी चुड़कानी, अभी बनी रही है, ये लो धनिया। और गाइस पता ना पूजा की मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूँ, उसके बावजूद पूजा मेरी बुराई करती है। उतने इतने हुए थे हाँ, और तो खुद तोड़ आओ, जाओ तोड़ के ले आओ। गाइस देख रहे हो आजकल की पत्नियां कितना ऑर्डर जमाती है अपने पति पे। पहले की पत्नियां मार खाती थी और आज की पत्नियां पति को मार रही हैं, जमाना उल्टा हो गया भाई। और गाइस मम्मी भी अभी स्कूल से आ गई है, तो मम्मी स्कूल से आने के बाद ना काम में लग गई, मतलब मम्मी ने स्कूल के कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, तो आती है देखो काम में लग गई है। तो मम्मी अभी घोट की सफाई कर रही है। तो गाइस हमारे पहाड़ों में ना कुछ इस तरीके से घोट की सफाई की जाती है, मम्मी से क्या बोलते हैं? रुंगड़ा। रुंगड़ा, ये हुआ रुंगड़ा। तो अभी इतना कूड़ा इसमें से निकल गया है। तो ये है पहाड़ी घोट और इसके रेट है अभी 180 रुपये किलो,
कोई 180 बेच रहा है, कोई 150 बेच रहा है, कोई 200 रुपए किलो बेच रहा है। तो गाइस ये जो दाल है ना बहुत ज़्यादा कीमती है। और गाइस अभी शाम भी हो गई है और अभी मैं और पलक जा रहे हैं मोमोज खाने के लिए। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं मोमोज की दुकान पे और अभी हमने मोमोज भी ऑर्डर कर दिए हैं पलक के लिए। तो अभी पलक के लिए मोमो भी आ गए हैं। चलो बैठो बैठो। और पलक ने सारे मोमोज अकेले खा दिए। और खाती है कुछ? और खाएगी मोमोज? चाउमीन खाएगी? खा ले खा ले खा ले। तो पलक के लिए आ गए एक हाफ मोमोज। कैसे बढ़िया हो रहे ना आज का खाना? मैंने अभी थोड़ी देर पहले खाया था। चलो चलो खा रहे हो? तो गाइस देखो मोमोज में ना लाल चटनी है, हरी चटनी है, मेयोनीज है और साथ में प्याज है, प्याज है, मसाला है। तो एक हाफ में ना हमारे उधर कितने मिलते हैं? 1 2 3 4 5 मोमोज मिलते हैं एक हाफ में। 5 या 6? 5 मोमोज। तो पलक ने 5 पहले खा दिए, ने 4 पहले खा दिए और 5, 9 मोमोज खा दिए उसने। तो अभी पलक ने भी मोमोज खा लिए और मैंने घर के लिए भी मोमोज पैक कर दिए हैं। तो ये रहे घर के लिए मोमोज। तो अभी हम जा रहे हैं घर को। तो ये रहे यहाँ के भैया मोमोज। भैया आपके सही हैं? तो फिर चलते हैं सीधे घर को। और मौसम भी ना हल्का हल्का ख़राब हो रहा है। अरे चाबी वहीं रह गई थी। चलो तो अभी चलते हैं सीधे घर की तरफ को। आओ पलक। तो गाइस फाइनली हम लोग भी घर पहुँच गए हैं। तो गाइस अभी सभी लोग बैठे हैं कमरे पर, तो सभी लोग मोमोज इन्जॉय कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया मोमोज प्लेट में और साथ में हरी चटनी और लाल चटनी। और आज बहुत टाइम के बाद सभी लोग मोमोज खा रहे हैं। पलक खा के आ रखे वहाँ से, यहाँ 2 प्लेट खा के आ रखी है। अब मत खा पलक, ये नानी के और मामी के हैं। और गाइस पता है ना हमारा गांव जो है ना वो मार्केट से बहुत ज़्यादा अंदर को है, तो हम लोग मोमोज चाउमीन ऐसी चीज़ें ना बहुत कम खा पाते हैं। जब कभी मार्केट जाना होता है ना हमारा तभी हम लोग खा पाते हैं, वरना हम लोग नहीं खा पाते हैं। तो आज मोमो हमने ना बहुत टाइम के बाद खाएँ, तो आज पलक के बहाने हमने मोमोज खा लिए हैं और मोमोज काफ़ी बढ़िया हो रहे हैं। और रात भी हो गई है, अंधेरा भी हो गया है। तो घर के सारे काम जो भी मोटे मोटे थे वो आज हो गए हैं, खेतों के भी काम हो गए हैं। और इसके बाद सीधे बस खाने पीने की तैयारी रहेगी, पूजा बनाएगी रात का खाना। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय।